दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वाईफाई हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसी वाईफाई हॉटस्पॉट को किसी भी दूसरे मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में यूज कर सकते हैं। यानी एक तरह से कहे तो आप अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वाईफाई की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के चैनल में। तो अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 7, विंडो XP या फिर विंडो 8 या फिर किसी भी दूसरे तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह यूज करना चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से, तो इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये दोस्तों, अब मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वाईफाई हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हैं, यानी ऑन कर सकते हैं। विंडोज 10 में वाईफाई हॉटस्पॉट को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नेटवर्क पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अब आप यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल हॉटस्पॉट, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस फीचर को टर्न ऑन कर देना है मोबाइल हॉटस्पॉट को एक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन हो गया। उसके बाद अगर आप नेटवर्क का नाम या फिर पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपने वाईफाई का जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान और उसके बाद मैं पासवर्ड सिंपली रख देता हूँ password@123 और उसके बाद यहाँ पर आपको एनी अवेलेबल को सिलेक्ट करना है और सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल हॉटस्पॉट है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप किसी भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल में इस वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाता हूँ। तो मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करा था विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसे सिंपली कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो मैंने इसमें सिंपली क्लिक करा और यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं जो भी हमने पासवर्ड डाला था। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं password@123 ये हमने पासवर्ड डाला और उसके बाद सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में जहाँ पे आपने वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करा था वहाँ पर आपको ये भी बता दे रहा है कि आपके जो वाईफाई हॉटस्पॉट से एक डिवाइस कनेक्टेड हो चुका है। दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर मोबाइल हॉटस्पॉट की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक वाईफाई की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके कंप्यूटर में जो भी इंटरनेट कनेक्शन है उसे आप किसी भी दूसरे सिस्टम या फिर दूसरे डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और यदि मुझे कुछ भी सवाल हो जो आपसे पूछा जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आपका क्वेश्चन मुझे ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने देखना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।